पीडीएम के अब तक पूरे मुल्क में जितनी भी रैलियां हुई हैं, जलसे हुए हैं, बहुत ही तारीखी और आवाम की जो उसमें शमूलियत है और शिरकत है वो बेमिसाल रही है, फ़कीदुलमिसाल रही है। आवाम ने जिस तरीके से पीडीएम पे एतमाद किया है, ये एक तारीखी लम्हात हैं। कल लोरालाई में, बलूचिस्तान के बड़ा शहर है, डिवीजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बड़ी रैली होगी, बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह, और आवाम का एक बेपनाह हुजूम वहाँ पर होगा। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आवाम किस कदर इस वक्त एक पेज पे हैं। पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है और इस के पास आवाम का मैंडेट नहीं है, ये चोरी किया हुआ एक मैंडेट है और आवाम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करती। उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। मौलाना साहब, डीजीएसपीआर ने कहा है कि अगर पीडीएम आती है रावलपिंडी तो हम उनको चाय और पानी पिलाएंगे। क्या आप चाय पानी पीने के लिए तैयार हैं? उन्होंने भी खुशतबी में बात की है और मैंने भी रात जवाब खुशतबी में दे दिया है उनको कि आप खुद तो पापा जान्स के पिज्जे खाते रहें और हमें चाय पानी पीटर खाएँ। तो चाय पानी पर तो उन्होंने अभिनंदन को भी टरखाया था, हमें उनके बराबर तो ना समझे ना। हमें तो एक से बढ़कर दूसरा जलसा मिल रहा है, एक से बढ़कर आवाम सड़कों पे हमें मिल रहे हैं, एक से बढ़कर जो है रैलियाँ कामयाब जा रही हैं और एक कौमी तहरीक की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। मेरे ख्याल में आप इस पहलू पर नज़र रखें और मैं नहीं समझता कि आपका ये सवाल किस बुनियाद पर है। हम तो सारी तहरीक को बराह रास्त मुशाहिदा कर रहे हैं, हर जगह आवाम को खुद देख रहे हैं, खुद बराह रास्त उनके पास पहुंच रहे हैं और उनकी शिरकत में अब इजाफा हो रहा है। हमारी तो अपनी कोशिश और जद्दोजहद यही है कि वो अब तक ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन इस कस्म के जो मामलात मुल्की और कौमी सतह पर होते हैं, बहरहाल इसमें दिक्कतें भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं और उसमें वक्त भी लगता है। तो अब हमारी कोशिश तो ये होगी कि जल्द से जल्द इस नाअहल और नालायक हुकूमत से कौम की जान छूट जाए। लेकिन कितना वक्त देता है, इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। साहब, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पीडीएम के जितने भी जो शामिल लोग इल्ज़ाम हैं कि वो अपने अपने मफादात के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरह आपके सर मौलाना शिरानी ने भी एक बयान दिए, आपकी पार्टी में भी देखिए मैं जो तो क्या कहेंगे, क्या है? देखिए मैं इन बयान का कोई नोटिस नहीं लेता। मौज है दरिया में और बिरून दरिया कुछ नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सानिया मच आपके सामने है। मैं तो यही समझता हूं कि अब तक जो दावे किए जाते रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, और उसके बावजूद मच जैसा इतना बड़ा वाक़या मुल्क में होता है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में जो आए रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है, जगह जगह पर लोग शहीद हो रहे हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों से, तो फिर क्यों दावा किया? और अगर दावा गलत किया है तो फिर अपने झूठ का एतराफ़ करें, क्यों कौम को धोखा दिया गया है? सर, वो पिंडी वालों ने एक ने तो जवाब दे दिया कि आपको चाय पानी पिलाएंगे, दूसरा पिंडी वाला शेख रशीद के बारे में क्या कहते हैं, वो खामोश है। अच्छा भाई, कोई ऐसा संजीदा सवाल किया करो, कोई जरा ताकि हम भी कोई बात कर सकें।